नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की। बिहार की 50 खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं, और सबसे बड़ी बात मौसम को लेकर बड़ी खबरें हैं। सियासी जंग यानी कि चुनाव के बारे में कुछ खबरें निकल कर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और काम की चीजें कि अब मार्च में क्या होने वाला है, नया बदलाव, बहुत सारे बड़े बड़े ऐलान, बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, सभी को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। इस साल बारिश से होगी गर्मी की शुरुआत, पश्चिमी विपक्ष के कारण कई राज्यों में होगी बारिश। जी आपको बता देते हैं कि मार्च के अंदर ऐसा समय आने वाला है जब 27 से 29 फरवरी तक उत्तर मध्य भारत के राज्यों में बादल छाए रहेंगे, और हो सकता है कि जो मार्च वाला टाइम देखने को मिले उसमें हल्की बारिश देखने की संभावना बताई जा रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में 1 से 4 मार्च तक बारिश हो सकती है। ऐसे में साफ है कि गर्मी की शुरुआत इस बार बारिश के साथ होगी, झमाझम बारिश होने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में गंगा समेत 21 नदियां ऐसी जहां नहाना सेहत के लिए ठीक नहीं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई है। आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के अंदर गंगा समेत ऐसी 11 नदियां बताई गई है जो नहाने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा प्रदूषण है कि उसमें से नहाया ही नहीं जा सकता, जो नहाने के लिए सही नहीं है। इतनी ज्यादा मतलब उसके अंदर प्रदूषण हो गया है कि उसे कई बीमारियां होने का डर है, जिसमें गंगा नदी, गंडक, बागमती, घाघरा जैसी कई नदियों का नाम बताया गया है। ये रिपोर्ट आई है, आप एक बार स्क्रीन पे देख कर पहुंच करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 28 फरवरी को बिहार आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन शहरों में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। जी आपको बता दें भाजपा के कदावर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बुधवार को प्रदेश के 3 शहरों में रक्षा मंत्री का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है और इसके लिए तैयारियां भी पूरी की पूरी कर ली गई है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में भाजपा की बड़ी सेंध, कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायकों ने बदला पाला। जी हां, बिहार से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर इसीलिए आ रही है क्योंकि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मंगलवार को महागठबंधन के 3 विधायक बागी हो गए हैं, कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक ने पाला ही बदल लिया है। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया चरस, गांजा जैसे सूखा नशा का मुद्दा, नीतीश के मंत्री ने दिया जवाब। जी आपको बता दें बिहार विधानसभा में विपक्ष के लोगों ने चरस या फिर गांजे जैसे जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उसको लेकर यानी तस्करों की बातें की गई। वहां पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अभियान चलाकर तस्करों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में ऑपरेशन का आगाज तो नहीं, अब तक 6 विधायकों ने बदला पाला। जी हाँ, एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि विधायकों ने पाले ही बदलना शुरू कर दिया है, उसके पीछे क्या कारण है कोई नहीं समझ पाया है। बाकी और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की। हाँ, अब आने वाली है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि से पहले बाबा महाकाल की नगरी में 9 दिन सजेगा शिवजी का दरबार, मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। जी आपको बता देता हूँ महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर्व को सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवरात्रि के दौरान शिव नवरात्रि मनाई जाती है और ये काफी बड़ा दिन है। और आपको बता दूं इस वर्ष जो महाशिवरात्रि होने वाली है वो 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन होने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। के पाठक को मिल गई मोदी सरकार की परमिशन, अब बिहार के स्कूलों में भी दिखेगा बड़ा बदलाव। जी आपको बता दें प्रदेश के अंदर 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में नए अतिरिक्त वर्ग कक्षाओं के निर्माण में 272 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये राशि केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में केंद्रास के रूप में मिलेगी। और इस राशि को लेकर के पाठक के शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था जिस पर केंद्र ने सहमति भी मिल गई है। और आपको बता देता हूँ इस राशि का जो उपयोग करके रंगाई पुताई, छोटी मोटी मरम्मत है, लाइट, पंखा, प्रिंटर, जो फर्नीचर की जरूरत उन सामानों को खरीदा जाएगा। और 30,435 प्राथमिक विद्यालयों में 2-2 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने चालू वित्त वर्ष 2023 और 2024 में प्रस्ताव दिया था। तो अब काफी अच्छी चीजें होने वाली है और बताया जा रहा है कि स्मार्ट क्लास को लेकर अहम फैसला हो सकता है आने वाले समय में, वो भी अपडेट मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बिहार के सबसे बड़े मौसम की खबर के बारे में। जी हां, बिहार में फिर से बीच बारिश के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने एक तारीख बताई है, 2 से 4 मार्च के बीच राजधानी सहित पूरे बिहार में इसका फैलाव होगा और इस कारण ज्यादातर शहरों में हल्के मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। मंगलवार को कैमूर, बक्सर, रोहतास में बारिश हो सकती है, तो बारिश वाली संभावना दिख रही है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरजेडी विधायक के घर ईडी की रेड। आपको बता देना चाहता हूं कि आरजेडी विधायक ने किरण देवी के घर में ईडी ने छापेमारी की है, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मार्च से होने जा रहा है लागू CAA, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी आपको बता देना चाहता हूं कि नागरिक संशोधन कानून मार्च में लागू करने की तैयारी है। मार्च के पहले सप्ताह में यानी कि जब लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले यानी
आचार संहिता लागू होने से पहले ये बड़ा फैसला ले लिया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार की लोकसभा सीटों का हाल। राजपूतों का गढ़ रहा है औरंगाबाद, 13 बार दो परिवारों ने लहराया था परचम। जी आपको बता देता हूँ कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर 13 बार दो परिवारों ने परचम लहराया था। पार्टी कोई भी हो लेकिन दबदबा हमेशा राजपूतों का ही रहा है। 2019 में भी ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी और सुशील कुमार सिंह जीते थे। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर, दुनिया में छोड़ गए ये भोजपुरी सिनेमा के उभरते हुए सितारे। सड़क हादसे में एक्ट्रेस आंचल तिवारी सिमरन की हो गई थी मौत। जी आपको बता देता हूँ, कैमूर के मोहनिया में 25 फरवरी को एक सड़क हादसा हुआ जिसके अंदर 9 लोगों में से 3 भोजपुरी सिनेमा के उभरते सितारे थे, जिसमें एक्ट्रेस आंचल तिवारी सिमरन और गायक छोटू पांड्या शामिल थे। वाकई में बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, अगली खबर निकल कर आ रही है कॉपी चेकिंग में तेजी, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट और पहले आने की उम्मीद बताई जा रही है। जी आपको बता दूं, बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक की जो कॉपियां उसका मूल्यांकन 1 से 10 मार्च तक होगा और बताया जा रहा है कि परिणाम अंतिम सप्ताह में आ सकता है और कंप्यूटर ऑपरेटर को भी मूल्यांकन केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया, तो जितनी जल्दी हो सकेगा आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट आएगा biharboardonline.bihar.gov.in पे, इस पे मिल जाएगा। बाकी और भी आपको अगर जानकारी चाहिए कि जब रिजल्ट आएगा मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, एनटीपीसी में घुस गए चोर, पुलिस के पहुंचने पर बरसाई गोलियां, 2 बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा। जी आपको बता दूं, एनटीपीसी प्लांट में कॉपर की जो केबल होती है उसको चोरी कर रहे चोरों ने पुलिस को पहुंचने पर फायरिंग कर दी और कई राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने 2 बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा और अब मामले की जांच भी चल रही है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, ओप्पो ले आया जादुई चश्मा, आंखों पर लगाते स्मार्ट हो जाएंगे आप। जी हां, कमाल का ये फीचर। आपको बता दूं, ओप्पो की ओर से एक टेक इवेंट में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में यानी कि MWC में 2024 में एक नया स्मार्ट चश्मा लॉन्च किया गया जिसका नाम है ओप्पो एयर ग्लास 3XR। और वाकई में ये स्मार्टफोन काफी अच्छा बनाएगा, इसका डिजाइन भी एकदम शानदार देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा और अच्छे से क्या है, लेकिन ये चीज है कि ये चश्मा स्मार्ट होने वाला है, कुछ नई इसमें AI टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, अगली खबर निकल कर आ रही है कतर PM सुंदर पिचाई, बिल गेट्स अनंत अंबानी की शादी में शामिल होंगे ये मेहमान। जी हाँ, क्या परोसा जाएगा पकवान, आपको बता देते हैं कि अंबानी फैमिली की ओर से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए देश दुनिया के कई दिग्गज हस्तियों को निमंत्रण मिला है, जिसमें विदेशी मेहमानों को भी कतर के जो प्रधानमंत्री से लेकर बिल गेट्स तक भी शामिल है। अब ये लोग आएंगे और सबसे बड़ी चीज है कि समारोह काफी बड़ा होने वाला है जिसमें विदेशों के लोग भी आएंगे और भारत के लोग भी होने वाले हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें बिहार की। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और जानकारी वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।